एबीसी पिछले बार ग्रामर करे थे, सो उस ग्रामर के अंतर्गत हमने कुछ इस प्रकार लाइक शब्द विचार, हाँ शब्द विचार करे थे। सो अगला उसके कंटिन्यूशन, अगला टॉपिक है शब्द भंडार। सो शब्द भंडार के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है, आपके बुक के अंतर्गत पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 में देखें कि पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आपके चित्रों में अच्छे से बता रखा है, आपके चित्रों में जैसे जंगल दे रखा है, जंगल को हम विपिन भी कहते हैं, कानन कानन है, अरुणय जैसे पंकज है, पंकज को जलज, सरिज अरविंद, ताल है जलाशय, सरोवर सर। इस प्रकार चित्र के आधार पर आपको समझ आ जाएगा। अब नीचे देखते हैं कुछ एकाध पर्यायवाची शब्द आपके एग्जांपल्स के लिए दे रखे हैं। अग्नि को, अग्नि को बाकी किन किन शब्दों से हम प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि को हम पावक, ज्वाला, अनल, आग, हुताश, हुताशल इत्यादि हम कह सकते हैं। उसी प्रकार अमृत को पीयूष, अमी, सुधा, सोम, अमिया। उस प्रकार आंख है, आंख को हम कहेंगे नयन, नेत्र, लोचन, चशु, दृग। उस प्रकार हम देखते हैं इंद्र, इंद्र को देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, देवराज, महेंद्र, देवेंद्र, सुरेश। इस प्रकार किरण को हम कहेंगे मरीचि, रश्मि, कर, अंशु, मयूख। किनारा को तट, कूल, कगार, तीर। इस प्रकार इन शब्दों के हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, जो मैंने छोड़ रखा है बीच में वो सभी आपको याद करने हैं। अब अगले पेज देखते हैं, कृष्ण को हम किस किस पर्यायवाची से जानते हैं। कान्हा है ना, राधव, वल्लभ, केशव, वासुदेव, गोपाल, माधव, घनश्याम। इस प्रकार गणेश जी को हम जानते हैं मोदप्रिय, लंबोदर, विनायक, गजवदन, गजानन। इस प्रकार हम देखते हैं चंद्रमा को चंद्र, चांद, शशि, हिमांशु, सुधांशु, राकेश, विधु, मयंक। देवता को विभूक्त, अमर, देव, सुर। नदी को सलीला, आपाका, सरिता, तरंगिणी, सरी, निरक्षरिणी। पक्षी को चिड़िया, खग, पंगर, अंध, पंखेरु, विहर, नवचर। भ्रमर को देखेंगे पर्यायवाची शब्द भौरा, मधुकर, मधु, अली, भवर, मृग। रात्रि को रात, यामिनी, निशा, रैन, रजनी, विभावरी। राजा को सम्राट, महीपति, गूप, नृप, प्रजापति, नरेश। इस प्रकार अगले पेज में देखते हैं 35 पेज नंबर में, सिंह को हम कहेंगे मृगपति, शेर, हरि, केसरी, नवराज, मृगराज, मृगेंद्र। हाथी को कुंभी, हस्ती, गजनाग, द्वादशी। इस प्रकार हमने पढ़ा आपका पर्यायवाची शब्द, आपको याद करना है। कुछ नीचे दे रखा है आपके एक्सरसाइज अभ्यास पेज नंबर 35 में, सही विकल्प सही। एक क्वेश्चन है, दो, तीन, तीनों क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, क्योंकि आपके पिछले जो है पर्यायवाची शब्दों से आप सहायता लेके इनको आप खुद ही फिलअप करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम जाते हैं आपके विलोम शब्द। विलोम शब्द से उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे नीचे आपके चित्र में दे रखा है, चित्र में दे रखा है मोटा, मोटा का
विलोम हुआ आपका पतला, धनी का हुआ निर्धनी। इस प्रकार आपके पेज नंबर 36 में कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं। भारी शब्द का विलोम होगा आपका हल्का, जीवन का मृत्यु, दुराचारी का सदाचारी, राग का विराग, नश्वर का अनश्वर, शयन का जागरण, पाप का पुण्य, क्रय का विक्रय, अमृत का विष, उत्कर्ष का अपकर्ष, उसी प्रकार अनेकता का एकता, जय का पराजय, कटु का मधुर, स्वाधीन का पराधीन, मानव का दानव, देव का दानव, अल्पायु का दीर्घायु, अंधकार का प्रकाश, अर्थ का अर्थ, नख का शिख, आकर्षण का विकर्षण, स्वामी का सेवक, मान का अपमान, विपद का संबल, आरोप का अंत, उन्नति का अवनति, धर्म का अधर्म, अपराधी का निरपराधी, सुर का असुर, आग्रह का दुराग्रह, उपकार का अपकार, आदर का अनादर। अगले पेज नंबर में लाभ का हानि, न्याय का अन्याय, भार का सूखा, क्रिया का प्रतिक्रिया, चंचल का स्थिर, बंधन का मुक्ति, नवीन का प्राचीन, अनुराग का विराग, आयत का निर्यात, गुरु का शिष्य, राजा का रंग, कनिष्ठ का वरिष्ठ, मलिन का निर्मल, अनुज का आग्रज, उधार का अनुधार, अनुकूल का प्रतिकूल, दोषी का निर्दोष, कृतज्ञ का कृतघ्न, हर्ष का शोक। इस प्रकार आपके विलोम शब्द भी हमने संक्षिप्त में करके समाप्त कर दिए। आपके अभ्यास में बहुत कठिन नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इन तीन विलोम शब्दों के सहायता से आप इन सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। पेज नंबर 37 में देखिए 1, 2, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस है और आपके विलोम शब्द के 3 क्वेश्चंस, साथ में आपके पर्यायवाची शब्दों के 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चंस आपके टोटल हुए 6 क्वेश्चंस आपको अपने गृह कार्य की कॉपी में आपको करने हैं। सो आज के लिए इतना, अगले कक्षा में मैं दूसरे टॉपिक लेके आती हूँ।